हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। भाई मैं नहीं सुधरने वाला। मैं पता आज फिर से 10 बजे उठा हूँ, 10 बजे मैंने बिस्तर छोड़ा है। किट्टू का स्कूल था 2-3 दिन, तो मैं 2-3 दिन टाइम से उठ गया सुबह। बाकी फिर वही कंडीशन, आज फिर मैं लेट उठा, कल भी उठा था थोड़ा लेट, आज भी उठा। कल तो मैंने वीडियो ही शूट नहीं किया था, आज वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं और आदित्य भैया अभी जा रहे हैं आज गन्ने का रस लेने के लिए, जो भाई पता चला है थोड़ी दूरी पे है यहाँ से। कल भी गए थे बट कल, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया, मैंने कहा कल दिखाऊंगा, मैंने पहले क्लियर करते हैं मिलेगा कि नहीं। तो आज पता चला है, तो भाई आज वहां जाते हैं और वहां पे वीडियो भी शूट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। वहां पे गुड़ वगैरह सब कुछ बनता है, अगर पूरा हुआ ये सब चीजें बताई जा रही है तो पूरा दिखाएंगे आप लोगों को, नहीं तो रस तो लेने जाना ही, तो रस लेके वापस आ जाएंगे, बाकी पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। तो फटाफट चलते हैं, आदित्य भैया को लेते हैं, वहां से फिर चलेंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को वैसा। तो भाई मैं और आदित्य भैया दोनों लोग पहुंच चुके हैं कोलू पे, और ये देखो झोले में भरी हुई है बोतलें, सारी भरवा के लेके चलेंगे। चार बोतलें, तीन बोतलें मैं लेके जाऊंगा, एक भैया लेके जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, रस पीने का मजा ही अलग है। जब मैंने दुकान की थी ना, दुकान के सामने वो लगाता था रस वाला, रस मिलता है। ये फिर उल्टी बातें करना स्टार्ट हो गया। अरे किसी और में भी रस मिलता है पागल इंसान, मतलब कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें रस निकलता है। हाँ जैसे मौसम्मी ले लो, संतरा ले लो, मौसम्मी ले लो, हाँ कई चीजें हैं। ठीक है, अब इनका उल्टा मतलब है, कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। बड़ी वाली मौसम्मी, बड़ी वाली। तो भाई भैया आ गए हैं और अभी चलाएंगे, इधर लगी हुई है मशीन, तरबूज में भी निकल। तो भाई ये है, यहाँ पे एक गुड़ वाली होती है ना, ये वो चीज लगी हुई है इनमें जो गुड़ बनाया जाता है उसके लिए होता है सिस्टम। बाकी शायद गुड़ का काम नहीं चल रहा ना भैया, गुड़ का काम नहीं चल रहा है। बाकी रस अभी निकल आएगा अपने लिए, तो दादा भी चलाएंगे। ये लगी है मशीन, चार बोतलें हैं, बड़ी वाली, हाँ हाँ, ढाई ढाई लीटर वाली। ठीक, गन्ना लगाया दार, बोतल लगा, तीन बोतल है फुल हुई है, सो हमें सारा क्रम बंद कर दी, तो आई चौथी हुई है। ठीक भाई, दादा ने बता दिया तीनों बोतलों के ढक्कन खोल लो डायरेक्ट। ये जो पाइप लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे, यहाँ से आता है तो सीधा यहीं पे लगाएंगे। बाकी भैया स्टार्ट करने जा रहे हैं, बाकी भाई देख लो कैसे निकलता है रस, पहले वहां से स्टार्ट होगा फिर इस मशीन में लगाए जाएंगे गन्ने, पूरा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और बाकी यही काम फिर पता कैसे चलता है, यहाँ पे अभी उसमें से रस निकल के आता था ना जब गुड़ का काम होता है, तो फिर इसमें आता है, फिर यहाँ से डाला जाता है इसमें, ये पाइप लगा हुआ है ना, इसी पाइप से फिर इसमें रस आता है। इसमें रस आने के बाद इसमें थोड़ी देर गर्म होता है, ये कढ़ाई टाइप की लगी हुई है, फिर इसमें गर्म होने के बाद फिर इसमें आता है, फिर इससे गर्म होता है, फिर इसमें आता है, फिर यहाँ से किया जाता है ट्रांसफर इस पे ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पे मतलब ठंडा होता है, फिर यहाँ पे जो गुड़ होता है ना, गुड़ के लिए बिल्कुल टाइट होके आ जाता है। तो पहले वहाँ से आएगा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर यहाँ पे आके तब गुड़ कंप्लीट होता है। बाकी आदित्य भैया बैठ चुके हैं, ये देखो बोतलें लगा के आने लगा भाई, रस भी आने लगा अपना, ये देखो भाई। और दादा ये देखो ऐसे चलती है मशीन, भैया लगाते जा रहे हैं गन्ने और निकलता आ रहा है रस, देखो वहां पे गन्ने लग रहे हैं, ये रस निकल रहा है सीधा। भाई तुरंत का तुरंत ताजा रस बिल्कुल निकल रहा है, तुरंत ताजा मिल रहा है, और ये बोतल एक कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट अभी हुई नहीं है, हो जाएगी। ये देखो भाई, तो भाई अपना तो रस निकल चुका है और चारों बोतलें कंप्लीट हो गई हैं, भरी रखी हुई हैं। बाकी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, भाई ये देखो यहाँ पे ये मशीन जो है, इसमें ये जो होल दिख रहा ना, ये वाला सामने, इसमें गन्ने लगाए जाते हैं, बाकी निकलता है। और ये देखो गन्ने का वेस्टेज कितना पड़ा हुआ है, इस सब वेस्टेज डेली का जो भी होता है वो वेस्टेज है जो निकलता है यहाँ से, वेस्टेज यहाँ से निकलता है, वहाँ गन्ने लगते हैं, इधर से वेस्टेज निकलता है। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे रस लेके, अब खाऊंगा खाना। आदित्य भैया को छोड़ दिया था उनके यहाँ पे, वो एक बोतल लेके गए, तीन बोतल मैं लेके आया हूँ, ढाई ढाई लीटर वाली है, भरवा के लेके आया, मतलब ढाई ढाई पाँच ढाई 7.5 लीटर में लेके आया हूँ। अब आराम से पियेंगे भी, और रस खीर भी बनेगी, वो भी खाएंगे जब मम्मी बनाएंगी तब। बाकी अभी खाना खा ले फिर नहाते हैं, क्योंकि फिर जाना है मार्केट, थोड़ा मार्केट में काम है, मम्मी को लेके जाएंगे तो इस वजह से। तो भाई खाना खा लिया है और मैं अब नहाऊंगा, बाद में पहले पीऊंगा रस। तो ये रहा अपना ग्लास में रस, तो इसको पीते हैं फटाफट। ये देखो भाई, ये मैं इतना लेके आया था, एक बोतल खाली भी हुई, उसमें थोड़ा रह गया, मम्मी ने पी लिया, और ये रहा मेरा, किट्टू पी गई। बाकी भाई काला नमक रखा है इसमें डाल के, इसी को डाल के पी रहे हैं इसमें आराम से मस्त होके।
तो भाई मैं हो चुका हूँ नहा के रेडी और अभी जा रहे हैं मार्केट। ये देखो माता जी कितने आराम से खड़ी हैं मार्केट जाने के लिए। तो भाई फटाफट चलते हैं मार्केट और वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, वो मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई मार्केट में पहुँच चुके हैं और अभी आ चुके हैं शॉप पे, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर भी चुके हैं मम्मी और दीदी। बाकी अभी यहाँ पे आए, यहाँ पे भाई ये देख रहे हैं मैट होती है ना जमीन पे बिछाने के लिए, तो भाई ये मैट देख रहे हैं, मेरे को तो ये वाली पसंद आई है, ये है। बाकी ये बड़े में ये अपने साइज पे आएंगे नहीं, तो इसमें से देखी है तो इनमें से लेंगे। तो भाई घर पे आ चुके हैं सारी चीजें लेके, मम्मी का जो मार्केट था मम्मी दीदी का वो भी हो गया, और जो मैटी लेनी थी और एक पर्दा लेनी थी वो भी ले आए। बाकी पर्दा वगैरह मम्मी पहले ले आई थी बट एक रह गई थी तो उसके लिए लेके आनी थी जो पहले नहीं आ पाई थी, तो वो भी आज ले आए। अब भाई जिस दिन मैं मैटी बिछाऊंगा उस दिन आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई अब इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे नए ब्लॉग में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। और सभी भाइयों को राम राम।